हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ में पिछले लेक्चर्स में हमने बात करी थी टॉर्क के बारे में, है ना। हमने बताया था कि टॉर्क कितना मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है। अगर किसी डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, ये बात करी थी। इसके बाद हमने बताया था कि अगर कोई टॉर्क स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसको थोड़ा सा हम फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर दें तो वो ऑसिलेट करने लगता है, ठीक है। और उसका ऑसिलेशन के टाइम पीरियड भी हमने निकाला था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा अलग टॉपिक और उसके आगे बात करते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक सिंपल पेंडुलम को रख दिया जाए तो क्या होगा। भाई यहाँ पर हम एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जो SHM है उससे जोड़ने वाले हैं ना, उससे थोड़ा कनेक्ट कर रहे हैं। तो आज की जो हेडिंग है वो है सिंपल पेंडुलम इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी सिंपल पेंडुलम या बोले तो सरल लोलक, इसको हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले बात करें सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो भाई सिंपल पेंडुलम पता होगा कि अगर किसी पॉइंट से हम एक स्ट्रिंग को हैंग कर दें, ठीक है, और स्ट्रिंग से एक भारी से एक स्फेयर को, है ना, वेटेड स्फेयर को ऐसे बांध के लटका दें, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। और ये जो स्ट्रिंग है ये नॉन एक्सटेंडेबल होती है, मतलब ना बढ़ने वाली होती है। और इसको जो स्फेयर है, मेटल का स्फेयर जनरली होता है, इसको बॉब बोलते हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा वेट होता है, ठीक है, मतलब ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है इसका जो वेट है ये अप्रॉक्सीमेट कुछ नहीं होता है ना, नेग्लेजिबल होता है। तो ये मान लेते हैं L लेंथ है किसी स्ट्रिंग की और इससे ये बॉब को लटका दिया गया, तो ये एक सिंपली क्या है, सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। और ये अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर में ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। अब अगर नॉर्मल कंडीशन पर देखें तो इसका जो mg वेट है वो नीचे काम करता है और स्ट्रिंग का टेंशन T ऊपर काम करता है और दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, अगर हम इसको हल्का सा फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर दें तो डिस्प्लेस करने पर क्या होता है, ये जो सिंपल पेंडुलम है वो ऑसिलेट करने लगता है ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें ऑसिलेशन से स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। हर ये कब तक ऑसिलेट करता रहेगा, तो आंसर है इनफाइनाइट टाइम तक हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा, अगर एयर का कोई ड्रैग ना हो, है ना। हालांकि एयर का फोर्स काम करता है, एयर ड्रैग ना हो तो ये इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। लेकिन रियल में एयर के ड्रैग के कारण इसके ऑसिलेशन धीरे धीरे कम हो जाते हैं, मतलब से ये थोड़ा स्लो हो जाता है और धीरे धीरे तो इसका डिस्प्लेसमेंट, और ये जो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऐसे 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 जाता है, फिर धीरे धीरे इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है और लास्ट में ये रुक जाता है, ठीक है। अच्छा, जो इसका ऑसिलेशन करता है, जिसका जो टाइम पीरियड होता है इस बॉब का, जो ये बॉब जो है, अगर छोटे ऑसिलेशन की बात करें तो ये बॉब जो है वो ऐसे SHM परफॉर्म करता है, ठीक है। और इसके लिए अगर बात करें क्या होता है, देखो तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो देखो ये SHM परफॉर्म करता है और हम लोग को पता है इसका जो टाइम पीरियड होता है वो T बराबर होता है 2π अंडर रूट के अंदर L/G, ठीक है। ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है 2π अंडर रूट L/G। L क्या है, यहाँ पर L है इसकी इफेक्टिव लेंथ, ये जो इसके इस पॉइंट से और ये जो बॉब है इस बॉब के सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है इफेक्टिव लेंथ L, ठीक है। और G है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल G की वैल्यू 9.8 होती है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। और T है इसका टाइम पीरियड। T क्या है, टाइम पीरियड मतलब ये कि इसको एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगा, इस बॉब ने मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये वापस आ गया तो ये आधा चक्कर हुआ है, इसका यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा तब ये पूरा कंप्लीट चक्कर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑसिलेट करता है, उसका टाइम पीरियड T बराबर 2π√L/G होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं आगे की बात करते हैं भाई। देखो अगर इसी सिंपल पेंडुलम ऐसे लटक रहा है, ऐसे मान लो ऑसिलेट कर रहा है, ये अंडर द ग्रेविटी ऑसिलेट कर रहा है, अगर यहाँ पर कोई अचानक आके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे, है ना, मान लो एक पॉजिटिव प्लेट यहाँ रख दे, नेगेटिव प्लेट यहाँ रख दे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, है ना। तो मतलब अगर यहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक कोई लगा दे तो क्या होगा,
यही हम आज बात करेंगे कि सिंपल पेंडुलम इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सिंपल पेंडुलम आ जाए तो क्या होगा, मतलब उसका जो टाइम पीरियड है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा या घट जाएगा, और ये जो बॉब है ये मोशन कर रहा है ये इसकी स्पीड कम होगी कि ज़्यादा होगी, है ना, इसकी आज हम बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते तो भाई देखते हैं, ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहाँ पर इस फॉर्मूले में जी होती है ग्रेविटी, ठीक है, और जी नीचे की तरफ काम करता, ठीक है। तो अच्छा देखो, यहाँ पर तीन केस होंगे, क्या कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर तीन तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नीचे की तरफ अप्लाई कर सकता है, है ना, ऐसे कर सकता है, मान लो तीन केस की बात करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नीचे अप्लाई कर सकता है, मतलब डाउनवर्ड कर सकता है, या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड कर सकता है, ऊपर की तरफ कर सकता है, ठीक है, और या इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इस बॉब में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए यहाँ पर, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा जब तक यहाँ चार्ज ना हो, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वहीं है जहाँ पर कोई चार्ज होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस बॉब को मान लो इसका मास एम था, ठीक है, इसको हमने क्यू चार्ज दे दिया, अब ये चार्ज बॉब हो गया, है ना, ये बॉब वो जो स्फीयर होता है उसको बॉब बोलते हैं, तो इस पर क्यू चार्ज दे दिया, और अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इसके ऑसिलेशंस में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीन केस की बात करते हैं, सबसे पहले केस वन, केस वन क्या है, केस वन है व्हेन जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, कहाँ पर, मान लेते हैं डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे की तरफ अप्लाई करें तो क्या होगा, देखो सुनो, ऐसा है यहाँ पर ये क्यू चार्ज है और इसकी एल लेंथ है, ठीक है, कोई बात नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या किया, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये मान लो। तो हम लोग को पता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो इस पर फोर्स लगता है, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस क्यू चार्ज, ये चार्ज है ना, इस पर फोर्स लगेगा, और कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो एम जी तो नीचे काम कर ही रहा था, और एक इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे काम करने लगेगा, कितना, एफ ई, एफ ई कितना होगा, क्यू इंटू ई, है ना। अगर किसी क्यू चार्ज को किसी ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, और वो क्यू इंटू ई होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इस पर फोर्स भी नीचे काम करेगा, ठीक है। अब मान लो ये रस्सी हम हाथ से पकड़े हुए हैं, ऐसे मान लो, फॉर एग्जांपल, कहना कि ये टाइट होता है, लेकिन अगर कोई ये रस्सी हाथ से पकड़े ऊपर, तो उसको अब क्या लगेगा, उसको लगेगा ये जो भाप है ये भारी हो गई है, इसका वेट जो है वो कुछ बढ़ गया है, अब उसका मास, उसका जो वेट है कुछ चेंज होता हुआ उसको समझ आएगा, है ना। तो यहाँ पर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इसका वेट है वो कुछ और हो जाएगा, यहाँ अगर रस्सी को ये लगेगा, अगर रस्सी को कोई पकड़े तो उसको ये लगेगा कि अब ये बॉब भारी हो गया है ना, क्योंकि क्यू ही नीचे काम कर रहा था और एम जी भी नीचे काम करने लगेगा, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मास कुछ और हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, सॉरी मास नहीं, बार बार मास बोलना, मास नहीं, वेट, मास तो हर जगह कांस्टेंट रहता है ना, मास किसी बॉडी का पूरे यूनिवर्स में हर जगह एक ही रहता है, वेट बदलता रहता है ग्रेविटी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्यू ई फोर्स नीचे और लग रहा है, एम जी और लग रहा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में जो वेट है वो कुछ और हो जाता है, और उसको बोलते हैं अफेक्टेड वेट। तो अब ये जो अफेक्टेड वेट होगा उसको देखो क्या बोल, लिखोगे अफेक्टेड वेट, पहले वेट एम जी था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में जो वेट हो गया वो उसको हमने अफेक्टेड वेट बोला, और वो हमने एम जी डैश मान लिया। अच्छा, एम चेंज नहीं होगा, मास कभी चेंज नहीं होता है ना, और वेट एम जी होता है, तो जी डैश चेंज हो जाएगा, जी पहले एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी था, अब जो अफेक्टेड ग्रेविटी है वो जी डैश हो गई, और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा एम जी, तो नीचे काम कर ही रहा था, और प्लस का क्यू ई, एम जी प्लस क्यू ई दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अफेक्टेड वेट, ठीक है, और स्मॉल जी का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या इसको केवल ग्रेविटी बोल सकते हो, और जी डैश का अफेक्टेड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या अफेक्टेड ग्रेविटी, ठीक है, ही आ गया, ठीक है। तो अगर तुमसे कहा जाए यहाँ जी डैश की वैल्यू निकालो, तो एम से डिवाइड कर दोगे, तो एम जी अपॉन एम प्लस का क्यू ई अपॉन एम,
ठीक है, इससे कट जाएगा तो जी डैश बराबर आया कितना, जी प्लस क्यू ई अपॉन एम, ये आ गया। ठीक है, तो अब जो ग्रेविटी है वो कुछ बढ़ गई और वो हो गई जी डैश, और जी डैश की वैल्यू है जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अब टाइम पीरियड कितना हो गया, भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास है टी बराबर टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहाँ पर जी होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तब यहाँ केवल जी होता है, है ना। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो जो ग्रेविटी है वो अफेक्टेड ग्रेविटी हो जाएगी, तो यहाँ जी नहीं अब जी डैश हो जाएगा। ठीक है, और जी डैश की अगर हम वैल्यू भी रख दें तो देखो क्या आएगा, टी बराबर टू पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन जी डैश की वैल्यू रखोगे कितना, जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। ठीक है, ये आ गया, तो ये आ गया हमारा न्यू टाइम पीरियड। अगर हम इसको इस पेंडुलम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इसका टाइम पीरियड इतना हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और है, पहले टाइम पीरियड जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करता, देख लो पहले कहाँ कर रहा था, पहले वाले में मास आ जाता था, लेकिन अब मास आ गया इस बॉब का, तो मतलब अब ये जो टाइम पीरियड है वो मास पर डिपेंड करने लगेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, अब जरा ये देखो टी बढ़ गया है कि घट गया। अच्छा पहले टी कितना होता है, पहले टी होता है टू पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन जी। ये कब होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब देखो जरा क्या आया, अब हो गया टी बराबर टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम। अच्छा जरा इसको देखो, क्यू हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है और पॉजिटिव चार्ज लिया तो ये प्लस में होगा, ई पॉजिटिव होता ही है वैसे भी, एम मास हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मतलब ये नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ये नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये कि नीचे वाला जो नंबर है वो बढ़ गया, पहले जी था अब जी में कुछ ऐड हो गया तो नीचे वाला ये नंबर बढ़ गया। और अगर ये टर्म बढ़ गया तो टी का क्या हुआ, टी कम हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर दो किसी सिंपल पेंडुलम में तो होता क्या है, तो जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना भाई। नीचे वाली संख्या ये बढ़ गई है और ये बढ़ गई तो ठीक कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा जो टाइम पीरियड है मतलब कैपिटल टी ऑफ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम है ना, ये रिड्यूसेस, कम हो जाएगा, घट जाएगा। टाइम पीरियड कम हो जाएगा मतलब, मतलब जैसे ये डायपोल है और ये डायपोल ऐसे चक्कर लगा रहा था, वैसे चल रहा था, है ना। अभी मान लेते हैं कि एक चक्कर लगाने में 0.3 सेकंड लग गया टाइम, ऐसे ऐसे लगा रहा था, और अब कह रहे हैं कि ये टाइम पीरियड कम हो गया, अब ये 0.2 सेकंड में ही एक चक्कर पूरा कर लेता। तो ये जो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो बॉब है ना, ये बॉब और फास्ट चलने लगेगा, है ना भाई। पहले ज़्यादा टाइम में चक्कर लगा रहा था, अब कम टाइम में एक चक्कर लगा रहा है, तो उसकी स्पीड का क्या होगा, वो और तेज़ हो जाएगा, है ना। तो जो बॉब उसका चल रहा था पहले ऐसे ऐसे मोशन कर रहा होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगाया ऐसे ऐसे चलने लगेगा, और तेज़ चलने लगेगा, है ना। तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो है वो रिड्यूस होगा, बट जो बॉब है ये फास्ट हो जाएगा, मतलब वो तेज़ी से चलने लगेगा। ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ेगा, इसका मतलब बॉब की स्पीड स्लो हो जाएगी, है ना। और अगर टाइम पीरियड कम होगा, इसका मतलब बॉब तेज चलने लगेगा, तभी तो कम टाइम में वो पूरा चक्कर लगा पाएगा, है ना। तो ये बात है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे की तरफ अप्लाई कर दें, ठीक है, किसी सिंपल पेंडुलम में, तो जो उसका टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है, और टाइम पीरियड कम हो जाता है या बोले तो जो बॉब की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, वो और तेज़ चलने लगता है। ठीक है, ऐसा देखते हैं हम भाई, ये ऐसा था यहाँ पर अचानक दो प्लेटें लगा दो, या सॉरी नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आना है तो यहाँ पॉजिटिव लगा दो, नीचे नेगेटिव लगा दो, जैसे लगाओगे ये और तेज़ चलने लगेगा, और तेज़ चलने लगेगा, मतलब टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा और बॉब की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस वन। अब बात करते हैं केस टू की, केस टू क्या हो सकता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऊपर भी लगा सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर की तरफ अप्लाई करें तो देखो क्या होगा। अब यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ अप्लाई किया था, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ ऊपर की तरफ अप्लाई करें तो देखो क्या होगा, तो होगा ये कि जो क्यू ई है वो नीचे नहीं काम करेगा, और क्या, क्यू ई ऊपर काम करने लगे, है ना भाई। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इसका मतलब ये कि अब क्यू ई ऊपर काम करेगा और एम जी नीचे काम करेगा। अब अगर कोई पूछे कि अफेक्टेड वेट कितना होगा, तो भाई एम जी नीचे काम कर रहा है और क्यू ई ऊपर काम कर रहा है, अब जो इफेक्टिव वेट होगा वो दोनों माइनस हो जाएंगे। अभी एम जी में क्यू ई ऐड हो गया था क्योंकि सेम डायरेक्शन थे, अब एम जी में क्यू ई माइनस हो जाएगा, है ना। तो केस टू क्या लिखें, केस टू में लिखोगे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड
इज अप्लाइड, इसको हम अप्लाई कर दें किसमें, ये डाउनवर्ड था अब ये हो जाएगा अपवर्ड ऊपर की तरफ। अगर हम इसको ऊपर की तरफ अप्लाई करें तो देखो क्या होगा, समझते हैं बात। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा अफेक्टेड वेट, अफेक्टेड वेट, अब इसको भी भाई हमने एम जी डैश लिखा तो ये हो जाएगा एम जी माइनस का कितना क्यू ई, है ना, बस ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और क्या। बाकी अगर तुमसे कहा जी डैश निकालो बिल्कुल वही सेम आएगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा और क्या, तो आएगा जी माइनस का क्यू ई अपॉन एम, है ना। तो अब जो हो गया, अब देखो ये जी से कम हो गया है ना, जी में कोई नंबर माइनस कर रहे हैं तो जी डैश आएगा वो जी से छोटा आएगा, तो यहाँ पर जो जी डैश है वो जी से छोटा है जबकि यहाँ पर जो जी डैश है वो जी से बड़ा है, ठीक है, और जी डैश छोटा। अब अगर कोई कहे टाइम पीरियड निकालो तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो ईजिली, है ना भाई, फॉर्मूला लगा दो टी बराबर टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है, लेकिन जी की जगह अब जी डैश रखना पड़ेगा, है ना, तो जी डैश रखोगे तो बताओ क्या आएगा, अपॉन में आएगा जी माइनस का क्यू ई अपॉन एम, ये आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अभी यहाँ से भाई साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा, कि जो ये है ना नीचे वाला टर्म कम हो गया है और नीचे वाला टर्म कम हो गया तो टी बढ़ गया है ना। तो यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर बात ये है कि जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो रहा था डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा बढ़ जाएगा। और अगर टाइम पीरियड बढ़ गया तो बॉब क्या होगा, बॉब स्लो हो जाएगा, है ना, टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब अब एक चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो धीमे धीमे चलेगा, है ना, इसका मतलब बॉब जो है वो बिकम्स स्लो और यहाँ पर क्या फास्ट, ठीक है। तो ये दो बातें हैं, ये याद रखने वाली बात है कि अगर किसी पेंडुलम में, सिंपल पेंडुलम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया जाए तो जो बॉब है उस बॉब की जो वो स्पीड है वो मतलब बॉब फास्ट हो जाता है लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर दें ऊपर की तरफ तो क्या होगा, बॉब स्लो हो जाएगा, इसका मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इंडियन एयरफोर्स नेवी में, जेई में पूछा जाता है कि कई सारे ऑप्शन ये होते हैं कि इसका क्या होगा, है ना, बॉब का क्या होगा, फ्लो होगा, फास्ट होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, ये सब ठीक है। तो ये दो केस हो गए, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर हमने एक बार ऊपर की तरफ अप्लाई करके देखा, एक बार नीचे की तरफ अप्लाई किया, अब अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर दो तो क्या होगा, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल अप्लाई करें तो देखो क्या होगा, केस थ्री की बात करते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम लिख देते हैं केस थ्री, वेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या होता है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब अफेक्टेड मास कितना होगा जरा देखते हैं, समझना बात। ये हमारा था बॉब, ठीक है, इसका वेट तो हमेशा नीचे ही काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर अप्लाई कर दिया, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ये। अब ये इस पर हमने क्यू चार्ज दे के रखा है, इसका मास एम है, तो होगा क्या, अब हमें पता है किसी पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, तो इसका मतलब इधर एक फोर्स लगने लगेगा और ये फोर्स कितना होगा बताओ, ये फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू ई। अभी क्यू इंटू ई एक बार नीचे लग रहा था एक बार ऊपर लग रहा था, अब क्या होगा क्यू इंटू ई हॉरिजॉन्टल लगने लगेगा जबकि एम जी नीचे लग रहा था। अच्छा ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये क्या है, एक्चुअली ग्रेविटेशन फोर्स है, ये इसका मास है। अच्छा दोनों के दोनों फोर्स हैं और उन दोनों का फोर्स का हमें रिजल्टेंट अगर निकालना पड़े, भाई दो फोर्सेज अगर सेम डायरेक्शन में हो तो वो ऐड हो जाते हैं सिंपली, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले वाले केस में दोनों नीचे थे सिंपली हमने उनको ऐड कर दिया, और उसके दूसरे वाले में एक ऊपर था एक नीचे था तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों के बीच एंगल बन रहा है ना, तो भाई हम लोग को पता होना चाहिए कि अगर दो वैक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, दो वैक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको ऐड कर दिया जाता है, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, और अगर दो वेक्टर किसी एंगल पर होते हैं,
ठीक है, जैसे मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो फिर उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए 11th में पढ़ा जाता है पैरेललोग्राम मेथड, और यहाँ पर हम आर बराबर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, थीटा होता है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है अगर दो वेक्टर किसी एंगल पर हो तो, ठीक है। अब वही बात, यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस हैं, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, दोनों का हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो निकाल लेंगे भाई इन दोनों का रिजल्टेंट। तो यहाँ पर भी जो अफेक्टेड वेट होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, बाकी दो में भी हमने यही किया है, अफेक्टेड वेट जो है वो mg और qe का रिजल्टेंट है, है ना। एक में mg और qe दोनों सेम डायरेक्शन में थे, दोनों अपोजिट थे एक में, तो दोनों एक बार ऐड किया और एक बार सबट्रैक्ट किया, लेकिन यहाँ पर mg और qe किसी एंगल पर है, 90 डिग्री एंगल पर है वो भी, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और वो भी cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म तो पूरा हट ही जाएगा, ठीक है। तो देखो अब जो अफेक्टेड वेट हो जाएगा, हमने इसको mg डैश ही माना है, तो ये बराबर होगा, देखो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर मतलब पहला वेक्टर रखो एम स्क्वायर जी स्क्वायर, और प्लस का दूसरा वेक्टर मतलब क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, और प्लस का 2ab कॉस थीटा, और थीटा 90 लिख हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है तो हटाओ उसको, क्या लिखना, आगे वाला टर्म जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब अफेक्टेड मास, अफेक्टेड मास या इफेक्टिव मास एक ही बात है ना, इफेक्टिव मास लिखो चाहे इफेक्टिव मास लिखो, सॉरी मास नहीं वेट, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हमसे कहा जाए कि इफेक्टिव ग्रेविटी निकालो मतलब स्मॉल जी निकालो, तो जी डैश बराबर आ जाएगा, इसको नीचे ले जाओ तो अंडर रूट के अंदर, देखो हमने इसको नीचे ले जाओ रूट से अंदर कर दिया, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, भाई जब एम रूट के अंदर जाएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा ना, जब एम स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एम हो जाएगा, तो एम स्क्वायर अंदर जाएगा, और प्लस का हो जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, यहाँ से एम स्क्वायर कट गया तो जी डैश बराबर आया अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अच्छा अगर यहाँ पर अब बताओ यहाँ पर जी बड़ा है कि जी डैश बड़ा है, भाई ये जी स्क्वायर लिखा है, जी स्क्वायर का रूट जी होता है, लेकिन जी स्क्वायर में कुछ ऐड हो गया, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव तो रहेगा, और ये ऐड हो गया इसका मतलब ये नंबर जी स्क्वायर से बड़ा हो गया, और जी स्क्वायर से बड़े नंबर का अगर तुम रूट लोगे तो जी से तो बड़ा ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर तो जी डैश है ये आ गया, और ये पहले से तो बड़ा ही आएगा, जी से बड़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये बात कि जो जी डैश है वो जी से बड़ा होगा, ठीक। अब फिर भाई यहाँ निकालो भाई, फिर अगर टाइम पीरियड निकालो तो टी बराबर 2π अंडर रूट एल अपॉन जी होता है, जी की जगह जी डैश रखेंगे और जी डैश की ये पूरी वैल्यू रख दो, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इसको रूट को हम पावर हाफ कर दे रहे हैं, तो जी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर और अपॉन एम स्क्वायर उसकी होल पावर हाफ, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया टी की वैल्यू। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो जो टाइम पीरियड होता है वो 2π अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर की होल पावर हाफ हो जाता है, ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात है भाई, ये वैल्यू अब बढ़ गई है और ये वैल्यू बढ़ गई तो टी का क्या होगा, टी कम हो जाएगा, टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा, और टाइम पीरियड रिड्यूस होगा तो बॉब जो है वो फास्ट हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, यहाँ पर भी वही बात है, जो टी है वो डिक्रीज होगा या रिड्यूस होगा या कम होगा, और जो बॉब है वो फास्ट हो जाएगा, वो तेज चलने लगेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो ये था हमारा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें इसमें, ठीक है, और अगर हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई करें तो हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हमने देखा हॉरिजॉन्टल, देखा एक बार हमने हॉरिजॉन्टल देखा, एक बार हमने वर्टिकल देखा, और वर्टिकल में भी हमने दो केस देखे, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारे तीन केस हो गए, ठीक है। तो तीन बार हमने देख लिया। अच्छा, अब कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल हम फ्री है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे भी अप्लाई कर दें। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एंगल पर अप्लाई कर दे तो क्या होगा, तो भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने एक बार नीचे अप्लाई किया, एक बार ऊपर, एक बार हॉरिजॉन्टल। अब अगर मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किसी एंगल पर अप्लाई कर दिया, तो केस फोर की बात कर लेते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल, मतलब वर्टिकल से एमजी से किसी थीटा एंगल पर अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लो ऐसे, ठीक है, और क्या हम करें कि mg तो नीचे काम करेगा ही, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई कर दिया, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की,
ठीक है, और ये इसमें चार्ज क्यू है। तो ये बात हमें पता है कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्यू ही, वो इधर ही तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, है ना, क्यू ही की डायरेक्शन यही हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखते हैं आगे भाई क्या होगा। तो देखो जरा आगे, एक मिनट, ठीक है, देख रहे हैं, एक मिनट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ अप्लाई किया गया है ना। तो देखो फिर भाई बात, यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg लग रहा है और एक qe लग रहा है ना, और उनके बीच का ये एंगल हमने थीटा मान लिया, थीटा के एंगल पर हमने फोर्स लगाया। तो अब अगर कोई कहे कि बताओ अब इसका इफेक्टिव वेट कितना होगा, तो भाई ये दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो अभी हमने यही बिल्कुल यही करेंगे, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी हम वो 90 था तो 90 में हमने क्या कर दिया था, जीरो कर दिया था, cos 90 जीरो होता है। लेकिन यहाँ पर आगे वही लिख दो, प्लस 2ab, ab का मतलब mg और b का मतलब q into e, और cos 90 की जगह cos थीटा हो जाएगा, थीटा की वैल्यू जो भी होगी उस हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के बस ये और जुड़ जाएगा आगे, है ना। तो अगर हम तुमसे कहें कि यही पूरा सेम करते हैं, पूरा सेम यही तो होगा, देखो भाई पूरा सेम यही होगा, ये आ गया। अब अगर जी निकाल, जी डैश निकालना है, इसको एम से डिवाइड कर दो, तो अंडर रूट के अंदर एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का 2mg qe cos थीटा और अपॉन में m आ जाएगा, m से m काट दो, एम स्क्वायर आएगा ना नीचे, एक एम से एम कट जाएगा, एक एम से एम कट जाएगा, यहाँ एम एस, यहाँ तो एम स्क्वायर लिखा रहेगा और एक एम स्क्वायर कट जाएगा। तो जी डैश कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर ये आएगा कितना, देखो ये आएगा जी स्क्वायर प्लस प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और प्लस का 2gqe cos थीटा और अपॉन में m, ये जी डैश की वैल्यू आ गई। अब जो है इफेक्टिव ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इतना हो जाएगा। अब कोई टाइम पीरियड का तो टाइम पीरियड निकाल दो, टी पाई अंडर रूट के अंदर l अपॉन जी, एल अपॉन जी तो वही रहेगा पूरा, ये पूरा रख दो, तो आएगा क्यू स्क्वायर प्लस का सॉरी जी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और प्लस का आएगा 2gqe cos थीटा और अपॉन m। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो टाइम पीरियड है वो मास पर डिपेंड कर रहा है, इसमें m आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी किसकी, t की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और, ये g की वैल्यू अंडरवुड लिखी है ना, अच्छा अंडरवुड है ये g की जगह, ये g अंडरवुड रखा है, तो एक्चुअली इसको पावर हाफ लिख दिया हमने ना, ये जो अंडरवुड है ना इसको पावर हाफ रख दिया, ये आएगी हमारे t की वैल्यू, t बराबर 2π अंडर रूट 2π और l अपॉन जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर स्क्वायर अपन एम स्क्वायर प्लस 2ge cos थीटा अपन एम की होल पावर हाफ, ये आएगा। ठीक है, अब समझना जरा, अब जरा एक बात समझते हैं कि यहाँ पे t की वैल्यू है वो पहले से बढ़ी है कि घटी है, जरा समझते हैं भाई। अगर g में कुछ ऐड हो रहा है ना, तो ये तो टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, जरा इसको देखो, इसको तो ये cos थीटा पर डिपेंड करेगा है ना, थीटा अगर पॉजिटिव हुआ, थीटा अगर पॉजिटिव हुआ तो ये g से बड़ा आएगा, cos थीटा अगर पॉजिटिव हुआ तो ये टर्म नीचे वाला जो है वो g से बड़ा आएगा, और अगर cos थीटा नेगेटिव हो गया तो फिर ये टर्म g से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब cos थीटा पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, तो जरा इसके लिए cos का ग्राफ देखो, जरा तुम लोग cos का ग्राफ, हम लोगों ने पढ़ा है cos थीटा ग्राफ, मैथ में पढ़ा जाता है, ऐसा होता है ना, तो ये 0 होता है, ये 90 होता है, और ये 90 होता है, ये 180 होता है, यहाँ से ये 270 होता है, तो ये 180 है। तो cos की वैल्यू, अच्छा हमारा थीटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे अप्लाई करेंगे तो cos थीटा 0 हो जाएगा, अगर ऊपर अप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, इसके बीच में अप्लाई करोगे तो थीटा हमारा 0 से 180 के बीच में कुछ होगा। ठीक है, तो जरा देखो थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक के लिए पॉजिटिव होती है, cos थीटा की वैल्यू 0 से 90 के लिए पॉजिटिव होती है, और 90 से 180 के लिए नेगेटिव होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर थीटा 0 से 90 के बीच में हुआ तो नीचे वाला टर्म जो है वो g से बड़ा आएगा, और g से बड़ा आएगा तो t जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। और अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हुई तो cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो ये जो टर्म है वो टर्म g से छोटा आ जाएगा, तो टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ कहीं लगाया जाएगा,
तो थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी, और कॉस थीटा नेगेटिव आएगा थीटा की वैल्यू, अगर मतलब ये हुआ कि अगर थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से लेके 120 के बीच में हुई, 90 और 120 के बीच में हुई, यहाँ इसके बीच में, इसके बीच में होगी, तो कॉस थीटा नेगेटिव और कॉस थीटा नेगेटिव, ये नेगेटिव तो जी कम हो गया, तो इसका मतलब उस सिचुएशन में जो जी डैश है ना वो जी से छोटा हो जाएगा, और अगर जी डैश जी से छोटा हो गया इसका मतलब जो टी है वो इंक्रीज हो जाएगा, और टी अगर इंक्रीज हुआ इसका मतलब जो है बॉब है वो स्लो हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात ये कि अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में हुई तो फिर कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब जो जी डैश है वो जी से बड़ा आएगा, तो जो जी डैश है वो जी से बड़ा आएगा, और अगर जी डैश जी से बड़ा हुआ तो यहाँ पर जी डैश आई है तो इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ गई, तो टी का क्या होगा, टी कम हो जाएगा, टी क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा, और टी अगर कम हुआ तो बॉब जो है वो फास्ट हो जाएगा। इतनी सी बात है, मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहे हो तो फिर टाइम पीरियड का क्या होता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है ना, और बॉब टाइम पीरियड बढ़ जाता है और बॉब स्लो हो जाता है, और अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इस हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ कहीं अप्लाई कर रहे हो तो फिर क्या होता है, थीटा की वैल्यू 0 90 से बीच में रहेगी, और उस सिचुएशन में जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो बॉब क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बॉब को, किसी सिंपल पेंडुलम को रख दें तो उसका क्या होगा, है ना, टाइम पीरियड का क्या होगा, और वो स्लो होगा कि फास्ट होगा, ये बात याद रखनी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चार केस देखा, एक बार तो हॉरिजॉन्टल बात किया, एक बार वर्टिकल में दो केस लिए, ऊपर नीचे ले लिया, और एक बार हमने किसी एंगल पर ले लिया, जनरली किसी एंगल पर, तो ये थीटा, ये डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है या फिर 90 से 180 के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया आज का लेक्चर, यहीं ख़त्म करते, थैंक यू।